एक प्रश्न आया है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्ध ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा और बोधि प्राप्त करने के बाद, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों नहीं अपनाया? लॉजिकल है, अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न से मैं एनकाउंटर हुआ था बचपन में। बचपन में एक बार हम ऐसे ही बात कर रहे थे तो एक जो अबौध था, उस अबौध ने उस समय ये प्रश्न मुझसे किया था कि गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गए। तब मैं छोटा था और मेरे पास में जानकारी का अभाव था, मैं उस समय जवाब नहीं दे पाया, मगर ये प्रश्न मेरे मन में अटका रहा कि बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को भाग गए छोड़कर, ये कार्य अच्छा नहीं है, क्योंकि पत्नी से शादी उन्होंने की है, जिम्मेदारी है। आप दुनिया को अगर उपदेश दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो पत्नी को छोड़ के कैसे भाग सकते हैं? दुनिया का भला करने जा रहे हैं तो पत्नी को कैसे छोड़ सकते हैं? क्या पत्नी दुनिया में नहीं आती? मगर जब मैंने धम्म को अच्छी तरह से जानना शुरू किया और धम्म के बारे में साइंटिफिक वे में और जो अच्छी तरह से, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बताना शुरू किया और भी लोगों से, तो मैंने जाना कि इसका आंसर बहुत अच्छा और वाजिब है। आज जब ये प्रश्न किसी ने पूछा तो मैं इसका आंसर आपको करता हूँ। ये बात गलत है कि गौतम बुद्ध रात के अंधेरे में अपने नवजात बच्चे राहुल को छोड़कर और अपनी पत्नी को किवाड़ खोलकर देखते हुए और रात में वहाँ से एस्केप हो गए, भाग गए, निकल गए या छोड़ गए। ये बात बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि कपिल वस्तु कोई बहुत बड़ा नहीं है और उस समय जाने आने का साधन भी इतना ज़्यादा नहीं है और शुद्धोधन की पकड़ बहुत दूर तक है, क्योंकि शुद्धोधन बहुत रिच फैमिली से हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा खेत हैं, सबसे ज़्यादा संसाधन है, सबसे ज़्यादा उनके पास में आदमी है काम करने वाले। चूँकि शाक्य जो कुल है, जो कपिल वस्तु का शाक्य गण है, वो गण व्यवस्था के तहत है, तो शुद्धोधन वहाँ के राजा तो नहीं है, मगर उनकी हैसियत वहाँ बहुत ऊँची है और उनको सभी लोग आसपास जानते भी हैं, यहाँ तक कि राजा बिंबिसार भी उनके मित्रों में से आते हैं। तो जो उनके पुत्र हैं उनको सब जानते हैं, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जाएंगे कहाँ? जहाँ भी जाएंगे खबर आ जाएगी कि वहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं और शुद्धोधन जाके उनको ले आएंगे, या जो उनकी पत्नी है वो वहाँ चली जाएंगी, या उनकी माता है, या गाँव वाले चले जाएंगे, जाके ले आएंगे, तो भागने का प्रश्न नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धत्व बोलते हैं पाली के अंदर, जो सिद्धत्व गौतम हैं, गौतम सिद्धत्व गौतम बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं, बचपन से बहुत चिंतनशील हैं और उन्होंने 11 साल की उम्र में ध्यान भी लगाया जो अपने आप लगा, बड़े मेहनती हैं और कभी घबराए नहीं किसी भी चीज़ से, और हर चीज़ का, गलत का वो विरोध करते हैं और सही का समर्थन करते हैं, ये उनकी आदत में रहा है क्योंकि वो संत पुरुष बचपन से हैं। तो वो ऐसा निष्कृष्ट या ऐसा निच या ऐसा छोटा व्यवहार नहीं करेंगे कि अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को रात में छोड़ के निकल जाए। हुआ यूं कि जो बीच में रिवर थी, उस नदी का पानी लेने के लिए, क्योंकि धान की फसल बहुत मुख्य थी और धान को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो धान एक ही समय बोया जाता था। इधर उनका गणराज्य था शाक्य, गणराज्य शाक्य संघ, और नदी के दूसरी पार था कोली, जो कोली राज था या कोली राज। और ये ध्यान देने की बात है कि कोलिये जो उनका नदी पार का शासक था या कोलिये लोग थे, वो उनके रिश्तेदार भी थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो कोलिये थी, तो आपस में रिश्तेदारी भी होती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार धाड़ मच रही है, मगर पानी को लेके पहले कौन लगाए, पहले कौन पानी ले, ये छोटी मोटी घटनाएं वहाँ चलती रहती थी। अब तो खैर बहुत बड़ी हो गई है, पानी पे युद्ध होने वाले हैं और बताते हैं कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए ही होगा, पानी जरूरी चीज है। तो उस पानी के झगड़े के लिए जो बार बार होते थे, तो शाक्य जो लोग थे उन्होंने, शाक्य संघ ने गणराज्य में एक काउंसिल बुलाई। काउंसिल का हेड कोई और था, उसने कहा कि पानी का झगड़ा बार बार होता है, इसको परमानेंट खत्म करें और हम एक बार उनसे युद्ध करते हैं पानी के लिए, और आपके हम उनसे अपनी बात मनवा करें। बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने मना कर दिया, क्योंकि 20 साल से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को कंपलसरी सैनिक होता था, कंपलसरी उसको जाने के लिए, जो भी व्यक्ति 20 साल से
ऊपर होगा शाक्य में, उसको सैनिक की तरह बिहेव करना पड़ेगा, सैनिक का काम करना पड़ेगा और जो शाक्य संघ है उसकी बात माननी पड़ेगी। तो सिद्धार्थ उससे बंधे हुए थे और वो मना नहीं कर सकते थे, मगर उन्होंने युद्ध करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि संघ मेरे साथ नहीं है, संघ का मतलब जितने लोग हैं उनका जो सुझाव है वो युद्ध करने का है और मेरी बात से फर्क नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, मेरा दृढ़ निश्चय है, क्योंकि पानी की कीमत खून से ज़्यादा नहीं है, मनुष्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पानी नहीं होता है, कम पानी मिल जाएगा कोई समस्या नहीं है, वो ज़्यादा ले लें। तब उन्होंने ये कहा कि अगर आप संघ के नियम नहीं मानेंगे, शाक्य संघ के नियम नहीं मानेंगे तो आपको दंड मिलेगा और तीन प्रकार का दंड है। पहला दंड तो ये है कि आपको युद्ध करना पड़ेगा कंपल्सरी, जिसके लिए आपने मना कर दिया। दूसरा दंड ये है कि आप या तो मृत्यु दंड स्वीकार करें और या देश निकाला लें, यानी शाक्य संघ से बाहर निकल जाएं हमेशा के लिए। और तीसरा ये है कि आपके सारे खेत जब्त कर लिए जाएंगे और आपको बहिष्कृत किया जाएगा, भ्रम दंड दिया जाएगा, आपको इग्नोर किया जाएगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा, देश निकाला एक तरह से आपको हो जाएगा। तो पहली बात के लिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो युद्ध नहीं करेंगे, और जो आखिरी बात थी कि जिसमें जमीन जायदाद तो वो जब्त हो जाएगी और घर वालों से कोई नाता नहीं रखेगा, वो संघ से निष्कासित हो जाएंगे, ये इसके लिए उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि मना मैंने किया है, उन्होंने कहा कि मना मैंने किया है इसलिए अपराधी मैं हूँ, दंड मैं लूँगा, माता पिता को दंड देना ठीक नहीं है। तो दो बातों में से अब बीच वाली बात है कि या तो मृत्युदंड और या फिर उनको देश निकाला। तो उन्होंने कहा कि जो आपको स्वीकार हो वो आप दे दें, मैं उसको ले लूँगा, तो मृत्युदंड दें या देश निकाला दें। जब बीच वाली बात के लिए बात तय हुई तो उस समय शाक्य संघ के अंदर एक दिक्कत आई, क्योंकि कौशल राज जो था, कौशल नरेश जो था, शाक्य संघ बेशकगढ़ राज्य था मगर कौशल नरेश के अधीन आता था, कौशल राज्य के अधीन आता था। अगर कौशल नरेश को ये पता चल गया कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को युद्ध की वजह से निकाल दिया तो कौशल नरेश नाराज हो जाएगा और जो उसके पदाधिकारी हैं उनको दंड देगा। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम तेरे को निकालेंगे सिद्धार्थ यहाँ से या तेरे को मृत्युदंड देंगे तो कौशल नरेश हमें तो मार देगा। तो सिद्धार्थ गौतम ने ये कहा कि फिर एक इसको उपाय ये है कि मैं देश निकाला अपनी मर्जी से लेता हूँ और मैं पवज्जा ले लेता हूँ। पवज्जा का मतलब है कि मैं प्रवज्जित हो जाता हूँ, मैं साधु संत वाली जो ड्रेस है घर छोड़ देता हूँ और अपना ज्ञान खोज में निकल जाता हूँ, तो आप फिर इससे बच जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, आप यहाँ से पवज्जा लेके चले जाओ, इससे संघ के नियम भी बचेंगे और हमें कौशल नरेश का किसी वजह से गुस्से का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा। जब ये बात तय हो गई तो वहीं सभा से एक व्यक्ति उठा और उसने ये कहा कि अगर कौशल नरेश को ये पता चला कि सिद्धार्थ गौतम ने तवज्जा ली है, वो चला गया और तभी हमने युद्ध किया है, तो वो दोनों को अटैच कर लेगा, दोनों को संबंध स्थापित कर लेगा, वो समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने मना किया होगा इसलिए उसको देश निकाला दे दिया, इसलिए इन्होंने युद्ध किया है, तो अब हम युद्ध को कुछ समय बाद करेंगे। ये बात भी तय हुई, ये प्रस्ताव अच्छा था। ये सारी बातें होने के बाद में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब घर पहुंचे तो खबर पहले ही पहुंच गई घर पे, तो शुद्धोधन और उनकी पत्नी और उनकी जो माता गौतमी बहुत रोए और जो उनके चाचा ताऊ थे बहुत रोए कि एक लड़का जिसकी शादी हुई 29 साल की उम्र थी और वो पवज्जा लेगा, मगर सिद्धार्थ के समझाने पे और सारी बात बताने पे कि ये सभी के लिए ठीक है और मुझे जाना चाहिए क्योंकि यही नियम है, नियम का पालन करना चाहिए, गणतंत्र में नियम का पालन करना बहुत जरूरी होता है। और बाकायदा वहाँ पवज्जा की तैयारी हुई, उन्होंने वहीं वस्त्र बदले और वहीं सारा काम करके, चूँकि शाम तक निकलना था और वो वहाँ से अपने घोड़े को और एक व्यक्ति साथ में जो छनक था उसको लेके और वहाँ से चल दिए, छंद को लेके और घोड़े को लेके वहाँ से चल दिए। ऐसे करके उनकी पवज्जा हुई और वो वहाँ से निकल के आप आगे बढ़ गए। तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है कि वो रात को छोड़ के भागे, क्योंकि कहाँ तक जाएगा, कोई व्यक्ति पैदल चलेगा घोड़े चलेगा तो पूरी आसपास के एरिया में 2 सेकंड में पता चल जाएगा आने जाने वाले आदमी के वहाँ सिद्धार्थ गौतम है। और शुद्धोधन को बाद में भी ये खबर रहती थी कि अब राजा बिम्बिसार के एरिया में हैं, अब राजगीर में हैं, अब यहाँ तपस्या कर रहे हैं, वहाँ तपस्या कर रहे हैं, उनको लगातार खबरें आती रहती थी। जब उनको विद्युत प्राप्त हो गया तो उन्होंने मैसेज ही भिजवाया, तो उनको पता था कि अब विद्युत प्राप्त हो गया है और उन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट भिजवाई सबके पास में कि जाओ और उनको कहो कि वो आएंगे, इसलिए ज़्यादा दूर वो उनकी आंखों से ओझल नहीं थे। तवज्जा उन्होंने दी, वो बात अलग है। अब सवाल ये है कि बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में उन्होंने पत्नी के पास दोबारा उसको क्यों नहीं अपनाया या क्यों नहीं आए। शुद्धोधन के बुलावे पर वो आए जरूर, आने के बाद में पूरे परिवार से मिले भी, भिक्खु संघ में सारिपुत्र महामोगलान उनके साथ थे, उनकी जो पत्नी थी रुमनदेही वो नहीं आई,
उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने जीवन में कुछ किया होगा, कुछ अच्छा किया है और मैंने कोई जीवन में गलत काम नहीं किया है, तो सिद्धार्थ गौतम मुझसे मिलने मेरे कक्ष में आएंगे। सिद्धार्थ गौतम ने पूछा कि रुमनदेही कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो उधर हैं दूसरे कमरे में। और उन्होंने जैसे जैसे ये पता चला कि अब आपने बाल काट दिए, उन्होंने अपने बाल काट दिए। जैसे पता चला कि आपने खाना एक टाइम कर दिया, उन्होंने खाना एक टाइम कर दिया। जैसे पता चला कि आप अब ज़मीन पर सोते हैं, वो ज़मीन पर सोई। जैसे पता चला कि अब आपने श्रृंगार के सामान छोड़ दिए हैं, उन्होंने भी अपना श्रृंगार छोड़ दिया। जैसे पता चला कि आपने मौन धारण कर लिया, उन्होंने मौन धारण कर लिया। उन्होंने जैसे जैसे आपने खबर आती गई, वैसे वैसे उन्होंने किया है। ये सोचने वाली बात है कि रुमनदेही या जो यशोदराबाद में नाम दिया जाता है, क्योंकि शय वर्ण तो पाली में होता नहीं, इसलिए पाली में शय वर्ण नहीं है तो यशोदरा नाम भी नहीं है। ये बात बिल्कुल तय है, रुमनदेही नाम है। रुमनदेही के नाम से ही वहाँ पर जो लुम्बिनी के अंदर है वो टेम्पल है, सब जानते हैं उसको। तो रुमनदेही ने को खबर आती रही, इसका मतलब है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जितनी बातें थी वो कोई ना कोई लेके आ रहा है, तो वो टच में थी, इसलिए भागने का प्रश्न तो होता नहीं। तो वो सारिपुत्र को और महामोगलैन को लेके जब वहाँ मिलने के लिए गए, तो वो रोई और रो के उनसे चिपट गई। उन्होंने कहा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने, क्योंकि मैं अब राग और द्वेष से मुक्त हो चुका हूँ, इसलिए मेरी तो कोई समस्या नहीं है, मगर वो राग द्वेष से लिप्त है, इसलिए वो रोएगी भी, चिपटेगी, शरीर को टच भी करेगी। आप शांत रहना, उसको जो करना है उसे करने देना। तो जैसे ही उसने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को देखा, वो रोने लगी, चिपट गई, और फिर बाद में उनको होश आया कि और भी लोग हैं, तो वो फिर शांत हुई। शांत होने के बाद में फिर उनके जो राग द्वेष थोड़े कम हुए, और बुद्ध ने उन सभी को धम्म दिया। शुद्धोधन सकदागामी तक हो गए, और सोतापन्न हुए, सकदागामी हुए। बाद में रुमनदेही जो उनकी पत्नी थी वो भी अर्हत हुई, उनकी माता थी वो भी अर्हत हुई। तो इतना उन्होंने सभी को वहाँ ज्ञान दिया, धम्म दिया, कि आसपास में बहुत सारे लोग अर्हत हुए। और धम्म प्रकाश उत्सव उसी दिन से मनाते हैं, क्योंकि प्रकाश धम्म का इतना ज़्यादा फैलाया, उसी को दीपावली बोलते हैं। जो व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, क्योंकि सवाल ये आता है कि उन्होंने रुमनदेही को अपनाया क्यों नहीं, जो व्यक्ति बुद्ध हो जाता है या जो व्यक्ति अर्हत हो जाता है, उसके अंदर हर तरह की राग और हर तरह के द्वेष समाप्त हो जाते हैं। अर्हत होना और बुद्धत होने में उसके अंदर जो सबसे बड़ा राग होता है, जिसको हम राग बोलते हैं, जो हमारा काम वासना होती है, काम वासना पूरी तरह से जीरो हो जाती है। सारी वासनाएं जीरो हो जाती हैं, काम वासना भी जीरो हो जाती है, और वो जनरेट भी नहीं होती। वो लगातार उसको विजिल रहते हैं, देखते रहते हैं कि अगर कोई जनरेट होने की कोशिश भी करे तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं, ये उनके अंदर ताकत आ जाती है। अब बुद्ध तो शुद्ध हो चुके हैं, उनके अंदर कोई ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह मूर्ता है। तो पत्नी या कोई स्त्री या कोई बच्चा या कोई खाना या कोई पीना या सुनना या गाना या नहाना या लेप या जो भी चीज़ है दुनिया में, वो सब उनसे दूर है। उनको देखते हैं, जानते हैं, मगर वो उन पर अब असर नहीं डालती। असर कैसे नहीं डालती? जैसे आपकी पत्नी या आपका पति अगर बीमार होता है या आपका बच्चा बीमार होता है, तो खाली ये खबर सुनते ही कि वो बीमार है, आपके शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। आपकी पत्नी है या आपका पति है, जैसे आप पति पत्नी का नाम अगर मन में भी लेके आएंगे, तो कुछ शरीर में रासायनिक क्रियाएं अलग से होने लगेंगी। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेट हो जाएगा पति पत्नी की क्रियाओं के नाम से, और काम वासना भी जागृत होगी। मगर बुद्ध और अर्हत में ऐसा नहीं होता, तो वो बिल्कुल शांत होते हैं। तो पत्नी काम वासना में अभी लिप्त है और बुद्ध जीरो हैं। तो अपना के अपनाने का या अपनाने की बात का कहीं सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अपनाया जाएगा जब जब सामने वाले के पास में कोई प्रतिक्रिया हो। बुद्ध के पास तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं है और कोई क्रिया नहीं है, तो अपनाने का सवाल उठता ही नहीं है। ये बात रुमनदेही को जब वो अर्हत हुई तब उनको समझ में आ गया। अर्हत होने की बात, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है जब वो पैदा होता है। मगर कोई व्यक्ति जो बुद्ध नहीं है, जो अर्हत नहीं है, और वो अपनी पत्नी को छोड़ दे, या वो लिप्त रहे बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों में, बहुत अच्छे अच्छे खानों में, या उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा जागृत हों या कम जागृत हों, या वो बहुत ज़्यादा राग द्वेष और मोह में पड़ा रहे, हर चीज़ उसको चाहिए, या वो ऐसी बातें करे जो किसी के नुकसानदायक हो, या वो ऐसी बात करे किसी के लिए फ़ायदेमंद हो, या वो चेहरे पे बहुत सारे भाव लेके आए, या उसकी आँखों में बहुत सारे, आँखें क्यों बता देती हैं, जब आँखों में भाव आता है, मन के अंदर जो भाव आता है वो आँखों में झलक जाता है। बताते हैं कि मन का जो टेलीविजन है वो आँखें हैं, जो आपके मन में है वो आँखों में आ जाता है।
और उसके बाद में वो ये कहे कि नहीं मैं साधु हूँ संत हूँ, तो फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि साधु संत जो नेचुरल होते हैं वो सब चीज़ों को छोड़ेंगे तो सबसे आखिर में पत्नी को छोड़ते हैं या पति को छोड़ते हैं। अगर वो सब चीज़ों को रखते हैं तो पति पत्नी उनके उतनी पास होती है जितनी बाकी चीज़ होती हैं। धन्यवाद।